हिमाचल प्रदेश आपदा से गुजर रहा है। प्रदेश सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से जो है इंडिया न्यूज संवाददाता जीवन कुमार ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं हर्षवर्धन चौहान ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूँ जीवन कुमार और इस वक्त खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है आयुष संसदीय मामले एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी, आप तक इस काल में सरकार की हर व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। नहीं देखो, ये जो समय है ये एक राजनीति खेलने का समय नहीं है और इस समय हमको मिलकर के सब लोगों को मिलकर के जो है लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने हर चीज़ छोड़ करके जो है मैदान में उतरे हैं और जहाँ जहाँ आपदा आई है, जहाँ जहाँ लोगों को नुकसान हुआ है और जहाँ जहाँ डेथ्स हुई है, वो पर्सनली हर जगह गए हैं। और ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनके मंत्रिमंडल का मंत्री हूँ, मगर इस सरकार की जो कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री का जो इस दौर में योगदान रहा है उसको शांता कुमार जी ने भी सराहा है और वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने भी कहा है कि इस आपदा के में जो है हिमाचल सरकार ने अच्छा कार्य किया है। अब अगर हम जयराम जी और अनुराग जी की बात करें, हम उम्मीद करते थे और अपेक्षा करते थे उनसे कि वो हिमाचल प्रदेश में इस समय में सरकार का साथ दें और विशेष करके केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जो है वो लाएं। अब मीडिया में समय समय पर जयराम जी कहते हैं कि हमने पैसा लाया है। मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में एक नया पैसा नहीं मिला है। जो राहत हमको मिली है 180 करोड़ रुपये की, वो हर साल हिमाचल सरकार के जो आपदा राहत में केंद्र सरकार देती है वो जून महीने में देती है, वो हमें 180 करोड़ रुपए केंद्र से मिला है, वो हमारा हक था। और दूसरी किस्त जो आपदा राहत की है वो हमको दिसंबर के महीने में मिलती थी, वो केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे उसको जो है जुलाई महीने में उसको रिलीज करवाया है। 360 करोड़ रुपये हमें मिलता है, वो हमको हमारा हक मिला है। इसके अलावा हमारा कुछ पैसा 315 करोड़ रुपये हमारा जो है आपदा राहत में ऑडिट पैरल्स की वजह से केंद्र के पास रुका हुआ था, वो मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलकर के रिक्वेस्ट की कि इस समय हमको हमारा जो पुराना रुका हुआ पैसा है उसको दे दिया जाए और वो 198 करोड़ के करीब शायद उसमें हमको पैसा हिमाचल प्रदेश को भी वो मिला। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि केंद्र से हमको कोई पैसा नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं अनुराग जी जो केंद्र में मंत्रिमंडल में है वो हमको पैसा दे, ठीक है। नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने सारे रूल्स का मुआयना किया और उन्होंने कहा है हमको कि CRF में वो 400 करोड़ रुपये देंगे। तो मुझे उम्मीद है नितिन गडकरी जी जो कहते हैं वो करते हुए हमें वो पैसा आएगा भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रोड्स की मेंटेनेंस पे काम जो है जोरों शोरों से लगाया हुआ है। और केंद्र की हमारी जो टीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो देखने को आई है, उन्होंने शायद केंद्र को रिपोर्ट सबमिट की और उम्मीद करते हैं कि हमको केंद्र से एक बड़े पैमाने पे हमको जो है राहत मिलेगी। आज हमारा जो नुकसान है हिमाचल प्रदेश में वो 10,000 करोड़ रुपए के करीब है, वो नुकसान हमको हुआ है और हमने सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अधिकांश रोड्स जो हैं वो अभी फिलहाल टेम्परेरी खोली है, वाटर सप्लाई स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है उनको चालू किया है और जो ट्रांसफार्मर्स है बिजली की लाइंस डैमेज हुई हैं उनको भी जो है वो रिस्टोर करके तो बिजली को चालू किया है। हमारा जो रिलीफ मैनुअल है वो बहुत पुराना था, उसमें नाम मात्र की राशि, अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता था नाम मात्र की राशि मिलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने जो घर है और दुकान है ढाबा है उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते थे अगर नुकसान होता था, अब वो राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी गई। पशु जैसे गाय है है घोड़ा है या ये बल्कि उसमें शायद 15,000 रुपये मिलती थी, अब उसको राशि को बढ़ा करके 55,000 कर दिया है। पहले किराएदार को 5,000 रुपये मिलता था, अब किराएदार को राशि 25,000 रुपये कर दी गई और अगर व्यक्ति मरता था तो उसको 12-12.5 हज़ार मिलती थी, आज वो राशि बढ़ा के 1 लाख रुपये। तो हमने बहुत लंबे अरसे बाद रिलीफ मैनुअल को अपडेट करके राशि को बढ़ा करके और लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की और उसमें जो है सरकार जो है वो सफल हुई है और हमारी जो हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली की जो पीठ है वर्ल्ड बैंक के गवर्नर ने भी थपथपाई है, शांता कुमार जी ने भी थपथपाई है और आम जनमानस ने भी जो है
इस समय आज हिमाचल प्रदेश का हर मंत्री जो है वो फील्ड में MLA है, विधायक है, फील्ड में उतर करके लोगों को राहत प्रदान करना चाहता है। हम अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीति ना करके सरकार का सहयोग। सर, चर्चा है कि प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं, क्या कहने है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उद्योग पलायन नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का उद्योग जो है वो कभी ना कभी अपना बंद करके वो जाते हैं। सरकार के, अपनी सरकार के, कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, देखो, अभी किसी भी सरकार का 9 महीने का कार्यकाल बहुत थोड़ा कार्यकाल होता है और ये सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में इम्प्लीमेंट किया है, हमने उसको लागू कर दिया है और हमने जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो शेयर भी बंद कर दिया है। एम्प्लॉइज़ के जो खाते खुलवा करके उन्हें अलग स्कीम जो स्कीम चाहते हैं उन्हें शुरू